तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए, मेरे पास आज रेडमी का 9A फ़ोन आया है और ये फ़ोन डेड है। तो कई दुकानदार ने इस फ़ोन को देख लिया बट ये फ़ोन चालू नहीं हो पाया है। तो कस्टमर ने मेरे पास लेके आया है, तो चलिए आप लोगों को चेक करवा देते हैं। तो देखिए, फ़ोन ऑन नहीं होता है और चार्ज वगैरह भी नहीं लेता है। चलिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हमने प्रॉब्लम चेक कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो इसका इसमें जो MT 6357 CRV लगे रहते हैं पावर IC, इसका पावर IC हीट कर रहा है बहुत। मतलब ये पावर IC जो भी है इसका ख़राब हो चुका है। तो इसका देखिए कंडीशन, किस कंडीशन में मेरे पास आया है बोर्ड। तो ये बोर्ड देखिए बहुत ही, मतलब काम वगैरह इस पर किया गया है बट ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए आप लोगों को हम इसका MT के जो पावर IC आता है 6357 CRV वो चेंज करके दिखाएंगे इस वीडियो में, और फ़ोन को मेरा फ़ोन चालू होता है या नहीं पूरा वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें और आप लोगों को हम दिखाएंगे इसमें मेरा मोबाइल चालू होता है या नहीं होता है। रेडमी का 9A 9C बहुत सारे मॉडल में ये IC लगे होते हैं। तो IC में चलिए आप लोगों को हम दिखाएंगे फ़ोन आगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हम मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपके मोबाइल में भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपको प्रॉपर सोल्यूशन हम बताएंगे। तो इससे दोस्तों, पहले चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और देखिए, इसमें हम अब MT के 6357 CRV चेंज करेंगे और फ़ोन चालू होगा या नहीं तो आप लोग देखिए। तो पूरा आप वीडियो ज़रूर देखें, मेरा फ़ोन चालू हुआ या नहीं। तो देखिए, हम इसका पावर IC अब चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इसका हमने पावर IC चेंज कर लिया है और चेंज करने के बाद आप लोगों को उसको चालू करके अब चेक करवाते हैं चालू मेरा फ़ोन हुआ या नहीं। तो देखिए, हमने बोर्ड मदरबोर्ड में सेट कर दिए हैं फ्रेम में, और देखिए चालू करते हैं। तो देखिए, अभी नट वगैरह नहीं कसा हुआ है तो हो सकता है पीछे से जो पावर बटन हो सही से नहीं लगा हो। ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा अभी। तो इसको चलिए हम चार्जिंग में लगा के देखते हैं। देखिए, पावर बटन दबाते हैं तो हो सकता है पीछे से जो नट नहीं लगा होता है दोस्तों, तो इसका पावर बटन जो कनेक्टिंग नहीं हो पाते हैं तो पावर बटन से ऑन नहीं होता है। तो देखिए, इसको हम चार्जिंग में अब लगा के देखते हैं। अगर चार्जिंग में लगाएंगे, चार्जिंग पकड़ लेगा तो मेरा फ़ोन ऑन भी होगा। तो देखिए, रेडमी लिख दिया है, मेरा फ़ोन रेडमी पे आ गया। देखिए, अब हो सकता है चार्जिंग भी ले लेगा और सेट ऑन भी होगा। तो चलिए, आप लोगों को हम चालू करके पूरा ऑन करके दिखाएंगे फ़ोन। तो देखिए, मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है।
और रेडमी 9A फ़ोन आपने देखा, पावर आईसी हमने चेंज किया, कैसे ऑन हो गया, और देखते हैं पूरा फ़ोन ऑन होता है या नहीं। देखिए फ़ोन मेरा पूरा ऑन हो गया है, और ये अभी फ़ोन प्रॉपर तरीका से मदरबोर्ड में नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये आ रहा है। तो देखिए इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, कस्टमर का पूरा डाटा भी सेफ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पासवर्ड नहीं मालूम है। और देख सकते हैं पूरा चार्जिंग वगैरह भी हो रहा है, फ़ोन चालू हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों से। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का वीडियो हम देते रहेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके लाइक से कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए अब इसको हम आराम से प्रॉपरली सारा कैमरा उमरा सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको हम इसको सारा पैक करके दिखाएंगे और फिर से चालू करके दिखाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देख के ज़रूर जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में फिर से, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।